कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो खुद ही नहीं तर पाती हैं, बड़ी कमजोर हैं, डूब डूब जाती हैं, फिसल फिसल जाती हैं, संभल नहीं पाती हैं। उनको संभालने के लिए, उनको उबारने के लिए, उन आत्माओं को तारने के लिए ऐसे महान आत्माओं का अवतार होता है। जैसे राम का अवतार हुआ, राम गृहस्थ आश्रम में थे, बड़ा प्यारा नाम है राम। मनुष्य को चोट लगती है तो भी कहता है राम, दुख होता है तो कहता है राम, आप बचाओ मुझे इस दुख से। भगवान श्री राम का अवतार अयोध्या में हुआ था। महाराजा दशरथ का सम्मान बढ़ाने के लिए कौशल्या के माध्यम से भारत की धरती का पाप और पापी दोनों को कम करने के लिए राम ने अवतार लिया था। कृष्ण ने मथुरा में अवतार लिया था। कृष्ण भी गृहस्थ आश्रम में थे और कृष्ण बहुत बुद्धिमान थे, राम भी बहुत बुद्धिमान थे और दोनों बहुत गुणवान भी थे। फिर परशुराम का अवतार भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, शाहजहानपुर जिले में। ये मथुरा और अयोध्या के बीच में जिला शाहजहानपुर है, वहाँ पर परशुराम ने अवतार लिया था। वो भी भगवान कहलाए, लेकिन परशुराम विरक्त महात्मा थे, वो संत थे, गृहस्थ नहीं थे, ब्रह्मचारी थे। और परशुराम जी डंका बजाकर कहते थे, उनसे कोई उनका परिचय पूछता था तो वे बताते थे बाल ब्रह्मचारी हो। उनके अंदर एक खास हिम्मत थी, कहते थे बाल ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन दूसरी बात जो बताते थे परिचय में वो थोड़ा सा लोगों को डर भी लग जाता था। कहते थे बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, और अति क्रोधी हूँ मैं। अब ये कठिन बात है, बाल ब्रह्मचारी होना बहुत बड़ा गुण है, लेकिन अति क्रोधी होना ही, क्रोधी होना तो चलो एक सीमा है, लेकिन अति क्रोधी। परशुराम जी सत्य बोलते थे कि मैं अति क्रोधी हूँ, पहले से बता देते थे कि हमारे साथ सोच समझकर व्यवहार करो, सोच समझकर बात करो, मैं अति क्रोधी हूँ, अगर बात बिगड़ गई तो तुरंत मार बैठूंगा। अति क्रोधी। लेकिन बाल ब्रह्मचारी होना भी कोई छोटी बात नहीं है। कुछ लोग तो थोड़े दिन संसार भोगते हैं फिर ब्रह्मचारी बनते हैं, इस तरह के ब्रह्मचारी बहुत मिलेंगे। और कुछ ऐसे भी ब्रह्मचारी होते हैं कि थोड़े दिन ब्रह्मचारी रहते हैं और थोड़े दिन संसारी रहते हैं, फिर ब्रह्मचारी बन लेते हैं, फिर संसारी बन लेते हैं, जब जैसा चांस पड़ा वैसा बन लेते हैं। वो बहुत बेकार लोग हैं, थाली के बैंगन हैं, जिधर थाली झुक गई उधर लुढ़क जाते हैं। वो कोई न शुद्ध न ब्रह्मचारी है, न शुद्ध संसारी है, न सही गृहस्थ है, न सही विरक्त है। कुछ ऐसे भी ब्रह्मचारी होते हैं जो बुढ़ापे में ब्रह्मचारी बन जाते हैं, 80 साल की उम्र हो गई तो ब्रह्मचारी हो गए। अब उनको लोग कहते हैं कि कमजोरी का नाम महात्मा गांधी है, वो ब्रह्मचारी। हालांकि बुढ़ापे में भी ब्रह्मचारी होना कोई बुरा नहीं, अच्छी बात है, कभी भी हो जाओ। इसके लिए हमारे पास में कभी कभी कुछ गृहस्थ दंपति आते हैं और कहते हैं कि हम आपके सामने
संकल्प लेते हैं कि अब हम पति पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य से रहेंगे, तो मैं उनको देखता हूँ और सोचता हूँ और फिर कहता हूँ कि अभी तुम एक साप्ताहिक ब्रह्मचर्य रखो, सप्ताह में 6 दिन ब्रह्मचर्य और 1 दिन संसारी जीवन जी, क्योंकि आपका जो विवाह हुआ है वो सांसारिक जीवन जीने के लिए हुआ है। अब एकदम ब्रेक तुम लगा नहीं पाओगे, अब मेरे सामने संकल्प ले लोगे तो फिर फंस जाओगे, और फंसना भी नहीं चाहिए और किसी को फंसाना भी नहीं चाहिए और संकल्प लेकर टूटना भी नहीं चाहिए, इसलिए संकल्प ही सोच समझ कर लेना चाहिए। जैसे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया था तो उन्होंने प्रतिज्ञा पूरी किया है, इसलिए भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से प्रतिज्ञा का संबोधन प्रारंभ हो गया। प्रतिज्ञा में भीष्म का नाम विशेषण में लगा दिया गया, लोग कहते हैं भीष्म प्रतिज्ञा यानी अडिग है, डिग्नन। और मनुष्य की प्रतिज्ञा में बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है। आप कोई प्रतिज्ञा जब ले लेते हैं, प्रण ले लेते हैं, तो आपके अंदर उस प्रण प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए सामर्थ्य भी पैदा हो जाती है, लेकिन उसी तरह का वातावरण भी मिलना चाहिए, उसी तरह की संगत मिलनी चाहिए। इसलिए संसार में संसारियों के साथ रह करके ब्रह्मचर्य का पालन बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि संसार के बीच में सब चारों तरफ भोगी, विलासी, व्यभिचारी, दुराचारी और सब तरह के लोग हैं, कोई कुछ कर रहा कुछ कर रहा, तो वहाँ थोड़ा सा अपना मन विचलित होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए जो वास्तविक ब्रह्मचारी होते हैं वे अपना खाना पीना भी थोड़ा सादा ही रखते हैं, क्योंकि भोजन का प्रभाव आपके शरीर पर डायरेक्ट 6 घंटे बाद असर आ जाता है। और भोजन यदि बहुत गर्म मसालेदार खाओगे तो आपके ब्रह्मचर्य में नुकसान करेगा। मिर्च मसाला कम खाइए, ऐसे मिर्च मसाला तो सभी को कम ही खाना चाहिए। मिर्च मसाला अधिक खाने से पाइल्स की बीमारी, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी और डाइजेशन खराब होने की बीमारी अधिक पैदा होती है। मिर्च मसाला कम खाइए और मीठा भी बहुत ज़्यादा मत खाइए। कितने लोग आधा आधा किलो गुलाब जामुन खा लेते हैं और खाने के बाद मुस्कराते हैं और 10-20 जगह बताते भी हैं कि हम एक बार में आधा किलो गुलाब जामुन खा लेते हैं। अपनी शाबाशी भी बताते हैं कि मैं इतना वीर आदमी हूँ कि आधा किलो एक बार में ख़त्म करता हूँ गुलाब जामुन, लेकिन ये बात गलत है। अगर तुम्हारे जैसे 200 रिश्तेदार किसी के कन्या के विवाह में शामिल हो जाएं तो पता चले कि 1 क्विंटल गुलाब जामुन 200 लोग ही खा गए। 1 गुलाब जामुन खाइए, 2 खा लीजिए, बस उसके बाद ब्रेक लगा दीजिए। ये मन बड़ा लालची है, मन बड़ा चंचल है, ये और खाना चाहता है, ये हर जगह और चाहिए और चाहिए, और मन कभी तृप्त नहीं होता है। आपकी इंद्रियां थक जाती है लेकिन मन फिर भी तृप्त नहीं होता है। दृश्य को देखते देखते आंखें थक जाती हैं लेकिन मन फिर भी तृप्त नहीं होता है। मन निर्देश देता है और देखो और देखो और देखो। जिस समय मैं पहली बार काठमांडू गया, नेपाल राष्ट्र की राजधानी का नाम काठमांडू है, काठमांडू नाम इसलिए उसका रखा गया था जो वहाँ अपराध करता था तो काठ माने लकड़ी, इतनी मोटी लकड़ी और बहुत लंबी, उसमें छेद होता था, छेद में जंजीर होती थी और उसी जंजीर से उसका पांव बांध दिया जाता था और ताला लगा दिया जाता था,
तो उसको कहते थे इसको काठ मार दिया गया है, इसलिए उसका नाम काठमांडू है। और काठमांडू पर्वत की श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, हरियाली से घिरा हुआ है, बहुत सुंदर वो पेली है, दर्शनीय है, टूरिज्म वहाँ बहुत आते हैं और बहुत अच्छा है। वहाँ पशुपतिनाथ का मंदिर भी है, पशुपतिनाथ के मंदिर में लोग दर्शन करने जाते हैं। एक बार मैं भी गया तो वहाँ पशुपतिनाथ यानी शिव जी का बैल, उसकी पूजा होती है, बहुत बड़ा वो पशु बना हुआ है। ये हिंदू धर्म कितना उदार धर्म है, यहाँ पर बैल की भी पूजा हुई है, चूहे की भी पूजा, कितनी पूजा हुई है। पुजारियों का देश हिंदुस्तान है और धन्य है हिंदू लोग, धन्य है ये महिलाएं, जहां पर आस्था कोई न करता हो वहां पर भी ये आस्था कर लेते हैं। तो वहां पशुपतिनाथ का मंदिर है। तो काठमांडू जब मैं गया तो मैं उस समय तक पहाड़ कभी दर्शन नहीं किया था, पर्वत नहीं देखा था। तो जब नेपाल गंज से मेरी यात्रा प्रारंभ हुई, डिस्ट्रिक्ट बांके नेपाल राष्ट्र में स्टार्ट हुई, तो मैं पहाड़ों को देखा तो बहुत खुश हो गया, देखता रहा। रात हो गई तो भी देखता था, थोड़ा बस की लाइट में दिखाई देता था, आंखें थक गईं लेकिन मन कहता था और पहाड़ देखो और पहाड़ देखो। तो मुझे लगा कि मन कभी तृप्त नहीं होता है, मन भूखा का भूखा रहता है, इस मन की भूख को कौन मिटा सकता है और मन कैसे तृप्त हो सकता है। इसलिए कितने लोग संसार में प्रवेश होते हैं तो इतना भोगों को भोगते हैं, इतना भोगते हैं कि उनके बहुत सी बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं।